सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी वैल्यू भी बताऊं और साथ में ये भी बताऊं कि अगर डिफाइन करें, देखो डिफाइन के हिसाब से आर जहां भी होता है वहां दशमलव लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं बताओ, पॉइंट, हेलो, तो ये हो गया 0.068, हेलो, तो दशमलव लगाने ना आपकी जगह 0.68 और लेफ्ट और हो गया ये, हेलो, तो राइट और, तो ये राइट हो गया ना, ये क्या हो गया, तो राइट में लेफ्ट में तो जीरो है, तो दैट मीन टोटल वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि ये तो मिली ओम्स में हुआ, किसने हुआ जल्दी बताओ, मिली ओम्स में, अब ध्यान देना, अब यहां पर इसकी वैल्यू हम इसके बात करेंगे, पहले इसकी बात करें, मान लो अगर वैल्यू आए आर 236 तब भी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि पहले तो जीरो पॉइंट लगेगा ना, आप अगर ये भी नहीं लगाओ, पॉइंट लगाओ, पॉइंट 236, पॉइंट से पहले क्या लगता है, तो चलो इतना मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता, जब भी आप कोई भी एक रजिस्टर को देखें जिसमें आर पहले लिखा है, बोलो वो सारे कितने ओम्स के, चलिए बताओ, समझ में आया, सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टर में पहले वर्डिंग में ये हमारी 950 यहां पर है, हम यहां पर क्लिक करेंगे, अब जैसे कैसे पता चला 950 है, तो हम यहां गूगल में जाके G950F और यहां पर मॉडल डालेंगे, तो हमें यहां पर पता चल जाएगा, तो ये मॉडल के साथ हमारा क्या है, तो सैमसंग गैलेक्सी S8, तो ये S8 है हमारा, अब ये हमारा सर्किट आ गया, अब ध्यान दो, अब तुमको किसी भी थर्मिस्टर को ढूंढना है, तो तुम कैसे ढूंढोगे, तो तुम यहां पर बेसिकली नीचे ऊपर सब जगह सर्च कर सकते हो कि थर्मिस्टर कहां है, तो बेसिकली यहां पर नोटिस करना, यहां पर हम कहीं पे भी देखो TH इस तरह से कंपोनेंट ढूंढ सकते हैं, या हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि TH इस तरीके से कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, जो हमें यहां पर फाउंड करे क्या हुआ, थर्मिस्टर कहां लगा हुआ है, और यहां पर ठीक है स्कीमेटिक में, क्योंकि हमें मॉडल के हिसाब से ढूंढना पड़ जाएगा यहां पर, और इस तरह से ढूंढ सकते हैं, या हम सबसे अच्छा AP_TH एक ये लिख के देखते हैं क्या ये आता है, तो क्या लिखा आपने बताओ, AP_TH देखो आ गया एकदम से, तो ये तरीका वो अच्छा है, तो कोडिंग जो मैंने दी है मन से नहीं दी है, जो स्कीमेटिक की है वही लिख के दी है ना, तो अब यहां पर आप देखो, तो यहां पर आपको ये एपी का यहां पर थंब मिल रहा है, और यहां पर यूएसबी थंब, मतलब जो आपका सी सब बोर्ड में होगा, कहां होगा बताओ, सब बोर्ड में, बीए थंब मतलब आपका कहां होगा जल्दी बताओ, डेल्टा सेक्शन में पावर एम्पलीफायर थंब, तो यहां पर ये देखो ये सारे थंब यहां पर लगाए हुए उन्होंने, यहां पर वैसे ही इन्होंने यहां पर डब्ल्यूपीसीबी दिया है, तो हम यहां पर सिर्फ डब्ल्यूपीसीबी लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, टीएच, तो यहां पर देखो डब्ल्यूपीसी थंब मिल गया, हेलो, तो डब्ल्यूपीसी का मतलब है वायरलेस पक्का, हेलो, और ये थंब इस बोर्ड में नहीं लगा है, ये वायरलेस पत्ते के ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगा है, हां जब बेटा बोलो तब यहां पर बीप बज रहा तो बंद हो जाएगा, और यहां पे जीआर आना ही बंद हो जाएगा, हेलो, जीआर आना बंद हो जाएगा, इसको पकड़ लो, चलो बंद, चलो जिसने भी लगाया था एक नंबर लगा था, अपने एक कोई स्टूडेंट था, ये वही वाले बोर्ड है ना स्टूडेंट वाले, Thank you.
चलो चलो तुमने कर दी। चलिए देखिए, तो हमारा कोई भी बॉल आपस में शॉर्ट नहीं है, तो हम इसको क्लीन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यस सर। अब हम इस कैपेसिटर को वापस चेक करें। हेलो यस सर। तो हमारे हिसाब से कैपेसिटर अब अभी भी शॉर्ट रहा, तो ये मानेंगे तब शॉर्टिंग मान सकते हैं। हेलो यस सर। ये मान सकते हैं कि क्योंकि ये कैपेसिटर बेसिकली जुड़ता सीपीयू से ही है, इसका संबंध पावर से है ही नहीं, बक कैपेसिटर है। पर अगर हम ये मान लें कि ये कैपेसिटर ऐसा जुड़ा है कि सीपीयू पावर और उसके लाइन के बीच में, तो यहाँ हम पावर भी आगे निकालेंगे। बट हम मेरे को नहीं लगता है 99.9 नहीं 100% की मुझे पावर निकालने की जरूरत नहीं है। आपके चलिए आज तो मेरा नाम देवदत्त अग्रवाल है और ये रही कैपेसिटर की क्लास। बताइए कैपेसिटर की क्लासेस किसको समझ में आए। मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद मैं कौन कौन यही चीजों को बार बार लगातार चेक करना चाहता है और अपने बच्चे को डाउट क्लियर करना चाहता है। पक्का? और पहले दिन कैसा रहा इसे टेलीकॉम में देवदत्त अग्रवाल के साथ, चलिए बताइए। आपको ऐसा लगा था कि हमको इस तरह से क्लास मिलेगी आने से पहले? हेलो, आज आपने इमरजेंसी भी किया। कल हम डुअल लेकर सीपीयू रिवॉल्व करेंगे यूनिवर्सल के साथ। yes, और आज का टारगेट है कैपेसिटर और रजिस्टर में सबसे बड़ा टारगेट है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आपने अभी तक समझ में आया? yes, मुझे पूरी क्लास में बताओ कौन कौन बिना किसी स्कीमेटिक रिसोर्सेस से थर्मिस्टर ढूंढ लेगा। yes, आप ढूंढेंगे। हेलो। yes, अरे ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कौन कौन लाइव है भाई? yes, सब लाइव है। yes, sir. तो सर हमारे साथ जो ये टीम है, सबसे पहले तो एक बार इनके लिए एशिया टेलीकॉम इनके लिए क्लैपिंग करता है। हमारे बहुत जोश में है और ये बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं, देव सर को देख के आए हैं, देव सर का वीडियो देख के आए हैं, एशिया टेलीकॉम को मान के आए हैं। और एशिया टेलीकॉम भी कसम खाता है कि इनको जैसे बाकी स्टूडेंट को पढ़ा है और वैसे का वैसे इनको भी पढ़ाएगा, वो नॉलेज देगा और ये जिस दिन जाएंगे तो इनके हाथ में आंसू होंगे, इस चीज की गारंटी है। ये पहले दिन मेरा कमिटमेंट है। yes, sir. Sir. तो आज आपकी क्या क्लास थी और कितने बजे से थी? sir, हमारी क्लास सुबह 8 बजे से थी। 8 बजे से थी। यस सर। yes, सुबह से यूएमसी का प्रोग्राम है, हम लोग इसको रिवॉल्विंग किए सुबह। अच्छा, ठीक है सर। और फिर उसके बाद हमारे देव सर ने हमको कैपेसिटर और रजिस्टर पढ़ाया गया, जिससे हमें पूरी नॉलेज हुई। जैसे पहले हमको नॉलेज थी ही नहीं कुछ, इसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। रिपेयरिंग तो बहुत दिन से कर रहे थे लेकिन कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन आज सर का क्लास देख के जोश हुआ सर कि नहीं सर बहुत अच्छे कर रहे, बहुत अच्छे पढ़ा रहे, हम सर आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं सर, और बहुत जोश के साथ काम करते हैं। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू ऑल सर। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, थोड़ा सा अपना नाम बताइए और कहाँ से आए। शिवशंकर पात्रा, उड़ीसा से। शिवशंकर पात्रा, उड़ीसा से। तो शिवशंकर ये बताइए मुझे कि आज आपका दिन था, पहला दिन जी, सवेरे से क्लास थी आपकी? सुबह से 8 बजे से हमारा क्लास था जी। और सुबह हम ईएमसी का रिबलिंग किए थे जी। अभी पहले से कभी नहीं किए थे, आज पहली बार किए। माइक्रोस्कोप पे काम करते थे? नहीं सर, माइक्रोस्कोप नहीं काम कर रहे थे। देर में आपको टीचर ने यहाँ पे सेट करवा दिया था माइक्रोस्कोप? जी सर, 10 मिनट में जी सर। अभी आपने जो भी काम करा किसमें करा आपने? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में करा जी सर। चलिए ठीक है। उसके बाद आपका रिवॉल्विंग हुआ, आपने किया जी सर, सेटिस्फाई हुआ जी सर।
चलिए उसके बाद उसके साथ देव सर ने हमारा जो थियोरी क्लास लिए रजिस्टर और कैपेसिटर बारे में पढ़ाई और बहुत अच्छा था। पहले से उसका इस तरह का डीप नॉलेज नहीं था हमारे से जी। और बहुत से अच्छी तरीके से और डीप से हमें समझाए और थैंक यू एशिया टेलीकॉम। अच्छा उसी का प्रैक्टिकल किया आपने? जी अभी उसका प्रैक्टिकल कर रहे थे जो रजिस्टर कैपेसिटर कैसे हम चेक कर रहे जी और सीरीज में पार्लर में कैसे चेक करते हैं जी सब मैंने प्रैक्टिकल किया। अच्छा सीरीज भी पता है पैरेलल भी पता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे थर्मिस में कितनी देर में ढूंढ लोगे? जी सर 5 मिनट में ढूंढ लूंगा। ढूंढ लोगे जी सर कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस के साथ सर। शैलेंद्र पाल आईडिया यूपी। जी शैलेंद्र बताइए। जी सर सुबह 8 बजे से हम लोग क्लास में बुलाया गया था, फर्स्ट डे था जी। उसके और सर कभी इस पे काम नहीं किए थे हम लोग माइक्रोस्कोप पे। अच्छा। सर फर्स्ट टाइम था हमारा और सर ने बताया 5 मिनट में सेट हुआ हमारा माइक्रोस्कोप जी। उसके बाद क्लास चली, आईसी रिवॉल्विंग किए हम लोग 10 से 15 मिनट में। सर बता दिए कि 10 से 15 मिनट में आईसी रिवॉल्विंग करके अच्छे से एकदम 2, 4, 5 बार, 10 बार, 15 बार जितनी बार हुआ सब अच्छे से हुआ सर जी। इसीलिए सर एशिया टेलीकॉम को धन्यवाद जी। जी और उनके साथ फिर आप क्या क्लास थी आपकी? और सर देव सर के साथ क्या एक्सपीरियंस था? देव सर के साथ आपका पढ़ाई अच्छा दिल से बताइए मुझे कि क्या एक्सपीरियंस था सर, जिसको देख के आए थे, जिनको देख के आए थे आप? सर कोई एक्सपीरियंस नहीं था सर, देव सर के साथ बहुत अच्छा हुआ, उनको फील हुआ क्लास में उनके साथ और अच्छे से कैपेसिटर रजिस्टर थर्मोस्टेट कंपोनेंट अच्छे से बताया और लाइव आके और सर चलिए। जी सर नमस्कार, मैं आदित्य एपी से शुभम वर्मा बोल रहा हूँ जी। जी सर मैंने आज मेरा क्लास सुबह 8 बजे से था जी, जिसमें सर मैंने सर प्रथम आके अपने टेबल पे जी सर माइक्रोस्कोप पहले सेट किया गया, जिससे इसके पहले हमको कभी नॉलेज नहीं था माइक्रोस्कोप बारे में जी। जी सर हमारे सर जो हैं जी हमको माइक्रोस्कोप तुरंत सेट करना सिखाए, हम लोगों को 10 मिनट बताए थे सर, लेकिन हम लोग अब कभी सेट करना पड़ेगा ज़्यादातर 5 मिनट लगेगा सेट करने में जी। और सर उसके बाद हम लोग आईसी को रिवॉल्विंग किए, पहली बार तो हम लोग को थोड़ा इंतजाज हुआ, कभी रिवॉल्विंग किए नहीं थे जी। तो सर अबकी बार जब पहली बार रिवॉल्विंग थोड़ा दिक्कत, दूसरी बार में हम लोग 10 से 12 मिनट के अंदर रिवॉल्विंग पूरा एकदम कंप्लीट किए। कितनी बार? लगभग सर हम लोग 5 बार रिवॉल्विंग किए हैं। 5 बार किए सर, एक पहली बार में दिक्कत हुआ, 4 बार एकदम नंबर 1 का रिवॉल्विंग हम लोग निकाले सर। उसके बाद सर रिवॉल्विंग के बाद हमारे देव सर आए जी। सर देव सर देखने के बाद सर बिलीव नहीं हो रहा था कि सर देव सर के सामने खड़े हैं, कि सर बहुत दिन सपना था कि देव सर साथ के क्लास में क्लास करेंगे जी। फिर उन्होंने सर हमारे साथ हमारा क्लास लिया, कंपोनेंट के बारे में बताया उन्होंने जी। तो सभी लोगों ने कंपोनेंट के बारे में बहुत अच्छे से, जैसे हम देखे सर जैसे सोच रहे थे वीडियो हमारे से देख रहे थे, सच में वैसे ही वीडियो पूरा हमारी तरह से हम लोग क्लास दिया जी। उनके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे टेलीकॉम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैं धर्मेंद्र कुमार बिहार से हूँ जी, और आज मेरी MMC की क्लास थी जिसमें मैंने IC की बोलिंग किया है 3 से 4 बार। पहली बार तो अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन 3 बार में हो गया और आज मैं कंपोनेंट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ हुआ कि तुक्के में हुआ? नहीं नहीं फुल्ली कॉम्प्रिहेंशन के साथ हुआ जी सर। फिर उसके उपरांत क्या क्या क्लास था आपका? इसके उपरांत रेजिस्टेंस और कंपोनेंट की क्लास थी जिसमें देव सर के साथ थी, और इसमें थ्योरी उनके साथ हुआ और वर्कशॉप में प्रैक्टिकल हुआ है। इसके लिए मैं पूरा अपना दिल से धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। आसाम से हूँ, आज हमारा पहला क्लास था जी। पहले सर हम माइक्रोस्कोप में बैठा नहीं था सर, आज ही बैठा जी। और माइक्रोस्कोप का 5 मिनट में हम क्लियर कर दिया था। फिर हम सर EMMC हम रिकॉल किया है जी। पहली बार थोड़ा दिक्कत हो रहा था जी। फिर हम 3 बार किया है सर इजीली, और
फिर देव सर के साथ क्लास था सर, देव सर सिखाने का थोड़ा अलग ही स्टाइल होता है सर जी, जो भी हो अच्छी तरह समझ जाएंगे और मैं भी समझ गया सर। उस क्लास में उधर थ्योरी था, अभी इधर उस क्लास का ही प्रैक्टिकल किया सर जी, तो हम अच्छी तरह आज जान गए सर। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है सर और सीख पाऊंगा यहाँ एशिया टेलीकॉम। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। मैं नोएल दास हूँ वेस्ट बंगाल से। हाँ जी, आज सुबह में माइक्रोसॉफ्ट में फर्स्ट काम किया था जी। और आई सी रिवॉल्विंग की आई एम एम सी में 5-6 बार किया, बहुत ज़बरदस्त हुआ जी। और टेप सेट के साथ क्लास था, कैपेसिटर और रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं जानता था, अभी बहुत ज्ञान हो गया। अभी प्रैक्टिकल किया एम डी सर के साथ, बहुत कुछ नॉलेज मिला। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू। मेरा नाम संजय कुमार जाना है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ जी सर। तो मैं तो सर कभी भी पहले माइक्रोसॉफ्ट से मैं काम नहीं किया था जी, तो आज आके हम अपना एमडी सर जो है आप समझा दिया था कैसे सेट करना है, सेट करना भी मेरे को मालूम नहीं था, सेट किया मैं 5-6 मिनट में माइक्रोसॉफ्ट सेट कर दिया। उसके बाद आई सी रिवॉल्व किया था EMC का, तो आई सी रिवॉल्व भी किया था, तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा जो ट्रिक्स दिया था सर ने वही ट्रिक्स का हिसाब से किया था, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। फिर दूसरा बार सर ने ट्रिक्स दिया है देने के बाद मेरा जो दिया, मैं टोटल 4 बार किया हूँ, तो 3 बार जो लास्ट जो 3 बार है पूरा फाइनल पूरा एकदम 100% कॉन्फिडेंट के साथ हुआ है। उसके बाद देव सर का क्लास था प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में हम लोग कंपोनेंट्स का क्लास था, तो उसमें रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का बारे में बताया गया, तो उसमें से हम लोग जो रजिस्टर का क्या है कंपोनेंट्स क्या है अगर 4 लेग का कैपेसिटर आता तो चेक कर लोगे? यस सर। 3 लेग का कैपेसिटर आता तो चेक कर लोगे? यस सर चेक करेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। आज मैं जैसे देव सर को देख के आया था, वीडियो देख के आया था, तो उसी हिसाब से देव सर का जो जैसा वीडियो में देखा था उससे भी अच्छा नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे आके, तो थैंक यू जय देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू जय और सर को, थैंक यू। चलिए नमस्कार सर। नमस्ते। आगरा से। विपिन आगरा से हो जी सर, चाहते तो दिल्ली पास में था जी सर, बिल्कुल जा सकते थे, बिल्कुल जा सकता था सर। तो एशिया टेलीकॉम क्या क्यों विश्वास आया तुमको? सर देखा था देव सर की वीडियोस काफी देखी थी, सोचा था कि कुछ हाँ अचीव करेंगे जाके देखेंगे, पर ये उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट टाइम में इतना कुछ अचीव कर लेंगे। फर्स्ट डेज में पहली बार मैं अटैम्प्ट में मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ वर्क लाइफ में मैंने EMC जो है रिबॉलिंग करी, फर्स्ट टाइम मैंने 5 बार रिबॉलिंग करी और एक बार भी मेरी खराब नहीं हुई जी सर, बहुत बढ़िया लगा। और आज जो एक ही दिन के अंदर जितनी जानकारी मिली, मुझे लगता नहीं था कि इतना अचीव एक दिन में कोई कर सकता है, बस नए शायद कोई आप जैसे टीचरों के अलावा करा सकता है। मैं गणेश महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, मैं आज सुबह 8 बजे महाराष्ट्र में भीड़ से हुआ। हाँ भीड़ से तो हमारे पास अलाट ऑफ माई स्टूडेंट्स भीड़ के महाराष्ट्र भीड़ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, है ना। अब आपने नाम अपना बताया ना तो अभी 4-5 कमेंट आ जाएंगे कि मेरे गाँव का। चलिए सुबह 8 बजे बुलाया गया था, माइक्रोस्कोप पहना हो सिर्फ 5 मिनट में ही सेट किया, ट्विजर कैसे पकड़ते हैं वो भी एकदम टेक्निक परफेक्ट बताया एमडी सर ने जी, चेयर पर कैसे बैठते वो भी बताया जी, फिर बाद में रिबॉलिंग भी सिखाई EMC की जी, और 5 बार एकदम परफेक्टली हुआ, इससे पहले नहीं किया था जी। यस सर। और देव सर ने भी फिर अच्छे कैपेसिटर रजिस्टर थर्मिस्टर उसके बारे में भी बताया। अभी कोई सीरीज होता है पैरेलल होता है, मैं बोलूं कि आप हाई वैल्यू का रजिस्टर का वैल्यू निकाल लो, है ना, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल चेक कर लो और थर्मिस्टर ढूंढ लो और कोड रजिस्टर का क्या काम होता है कैसे चेक करना ये कर लो, या फ्यूज रजिस्टर के बारे में होता है या थर्मिस्टर ढूंढने की बात होता है तो आप ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे? सर एक दो से 5 मिनट में ही ढूंढ निकालेंगे। कॉन्फिडेंस है? यस सर। चलिए ऑल द बेस्ट। मैं संजीव UP से जी। संजीव आज सर मेरा पहला क्लास है, आज फर्स्ट डे है, आज हमें
माइक्रोस्कोप को कैसे सेटिंग किया जाता है वो बताया गया जी, और एमएमसी का रिवॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में ट्रिक दिया गया। आज हमने एमएमसी का रिवॉल्विंग भी 3 बार किया जो कि अच्छे तरीके से हुआ जी। और उसके बाद आज मेरा थ्योरी का क्लास था जो कि देव सर ने लिया। देव सर ने आज हमें बहुत अच्छे तरीके से कंपोनेंट के बारे में पढ़ाया, जिसमें कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बारे में उन्होंने डीपली नॉलेज दिया, कैसे चेक किया जाता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको वैल्यू वगैरह निकालते हैं, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। फिर उसके बारे में हमने प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे तरीके से किया और ये सब करके आज बड़ा अच्छा लगा कि आज हमने बहुत कुछ फर्स्ट डे में ही सीख लिया, फर्स्ट डे में अचीव किया। हाँ, फर्स्ट डे में ही आज हमने बहुत सारी जानकारी हासिल किया, उसके लिए आज एशिया टेलीकॉम को धन्यवाद। सर नमस्कार, एशिया टेलीकॉम के सर को नमस्ते। सर मैं आज पहली बार 5-10 मिनट के अंदर ने हमारा एमडी सर ने बताया जे माइक्रोस्कोप कैसे सेट करते हैं उसको मैंने सेट किया उसी तरीके से। सिर्फ उस एमडी सर ने ही बताया मुझे जो ट्यूजर और एसएमडी को कैसे पकड़ते हैं जी। और आईसी बोर्ड पर किसी भी कैसे हीट देते हैं, चाहे आईसी रिवॉल्व करने के लिए कैसे हीट देते हैं, इसके बारे में जानकारी। आज से पहले हमें कोई जानकारी नहीं था जी। जिसके कारण हम इतना आसान तरीके से एमएमसी को रिवॉल्विंग कर मतलब फर्स्ट बार में 15-10 मिनट जो भी लगा वो टाइम लगा था, उसके बाद में हमारा मतलब 10-15 मिनट में चार बार रिवॉल्विंग किया हमने और परफेक्ट रिवॉल्विंग उतरा, एक भी बॉल इधर मिसिंग मासिंग कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे एमडी सर का भी सिखाने का तरीका। लेकिन उसके बाद मेरा मेन मकसद था देव सर से मिलना, जो मैं देव सर को बारे में यूट्यूब पर वीडियो पर देखा था, जिस लाइन जिस थ्योरी से पढ़ाते थे, जिस थ्योरी को नॉलेज देते थे उसमें, वो चीज़ आज हमें बहुत ऐसा एहसास की तरह मिला है जहाँ उस थ्योरी में देव सर हैं। देव सर ने ऐसा बता दिए हैं, ऐसा बता दिया है जो खुद का फोन का एक थ्योरी बनाओ माइंड में और खुद का कोई भी एस्टिमेटिक डायग्राम मत बनाओ, कोई भी एस्टिमेटिक डायग्राम मत खरीदो, खुद का एक एस्टिमेटिक डायग्राम बनाकर अपना फोन रिपेयर करो। जिससे मुझे लग रहा है 30 दिन का हमारा क्लास चलेगा, लग रहा है देव सर ने उस रफ्तार से हमें सिखाएंगे तो हमारे माइंड में पूरा भर ही जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है देव सर से जो इसी तरह सिखा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है एशिया टेलीकॉम को। मैं अपने दिल तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। मैं आपका एक छोटा सा हैंडीकैप हूँ जिसमें मैं बिहार से आया हूँ, ओम प्रकाश नाम है मेरा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर मैं आनंद यूपी बांदा से, और आज सर मुझे बहुत अच्छा लगा, आज फर्स्ट डे था हमारा और हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व की। जिंदगी में फर्स्ट बार मैंने एमएमसी रिवॉल्व की है और हमारे एमडी सर की सहायता से हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे सफल बना पाए उनकी मदद से। और उसके बाद हमारी देव सर की क्लास थी जो कि बहुत उत्साहित और बहुत सी हमें जोश देने वाली रहती है, हमें बहुत ही मजा आता है उनकी क्लास पे। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें कंपोनेंट की क्लास को सफल बनाया, हमें पूरे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहेंगे और हमें एशिया टेलीकॉम को धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद सर। सबसे पहले एशिया टेलीकॉम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर मैं आकाश कुमार रामपुर यूपी से, और सर आज जो मैं एशिया टेलीकॉम में आया हूँ तो मैं देव सर को फेसबुक के माध्यम से कम 8 महीने से फॉलो कर रहा था, और मैं जैसे उनका पढ़ाने का तरीका देख रहा था तो मुझे भी लगा कि शायद अगर मैं भी सर से एक बार कोचिंग ले लूँ या पढ़ लूँ मैं तो मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने सर से संपर्क किया और आज मेरी फर्स्ट दिन की क्लास थी, और फर्स्ट दिन की क्लास में मुझे कभी भी माइक्रोस्कोप के बारे में मालूम नहीं था, और आज मैंने सर के माध्यम से बताए माध्यम से 5 मिनट में माइक्रोस्कोप मैंने बिल्कुल ठीक किया। और उसके बाद और देव सर के माध्यम से जो भी थ्योरी की क्लास चली, थ्योरी क्लास ली और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक एक कंपोनेंट एक एक पार्ट को बड़ी बारीकी से बताया,
जो कि बहुत अच्छा लगा और उसको समझ में भी आया। फिर उसके बाद हमारे एमडी सर ने, एशियो टेलीकॉम एमडी सर ने उसको प्रैक्टिकली कराया, जो कि आज मैंने ईएमसी रिवॉल्व किया और कंपोनेंट को जैसे रजिस्टर और कैपेसिटर वाले इनके लिए जैसे कि थ्योरी पढ़ा, उसके साथ आज हमने लाइव भी किया। और अब मैं बड़े दिल से कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आज सीखा है वो मैं मात्र ईएमसी रिवॉल्विंग मात्र 5 मिनट में कर सकता हूँ, बड़े दिल से कहता हूँ। और बाकी कैपेसिटर और ये सब मैं 10-10, 15-15 सेकंड में आपको चेक करके दिखा सकता हूँ। ये एशिया टेलीकॉम के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आइए फटाफट आइए, जैकेट पहन के वापस जाइए, जैकेट पहन के सामने आ जाइए, फ्रंट में आ जाइए, जो हो गया है साइड। अरे आना पड़ेगा, आइए इधर। हेलो हेलो सर, मेरा नाम सुधीर कुमार, यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से। सर मैं काफ़ी दिन से देव सर की वीडियो देख रहा था जी। अब देखने के बाद में मैंने सोचा वहाँ पे जाना है, पिछले 3-4 महीने से था ऐसा सोच रहा था जल्दी जाऊँ बहुत। आज आया सुबह के टाइम 8 बजे बुलाया मुझको यहाँ पे जी। बुलाने के बाद में एमडी सर ने हमको माइक्रोसॉफ्ट सेट करना बताया, बैठना सिखाया, सब चीज़ सिखाया। उसके बाद में एमएमसी रिवॉल्व करना सिखाया, सबसे बड़ी बात है एमएमसी रिवॉल्व करना। उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझको बताया कि ना इस तरह करते हैं, और मैंने फर्स्ट टाइम में ही अच्छा किया बहुत ज़्यादा। एमएमसी रिवॉल्व करने के बाद में हमारे देव सर के साथ में क्लास थी जी। उधर क्लास लेने के बाद उन्होंने कंपोनेंट कैपेसिटर के बारे में बताया हम। उसके बाद में इधर एमएमटी सर ने उनके बारे में पढ़ाया, थ्योरी के बारे में बहुत सारी प्रैक्टिकल कराया उनको। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू। जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से? हाँ हाँ, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ। आज मेरा नाम क्या है आपका? नाम शुभंकर दत्त है। आज मेरा पहला शुभंकर, आप बहुत दिक्कत से आओ एशिया टेली का, इधर उधर से घूम के। क्या दिक्कत क्या हुई थोड़ा बताइए। ट्रेन कैंसिल हो गया था, ट्रेन बारिश की वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद सोचा था नेक्स्ट महीने आऊँ, लेकिन दिल से चाहता था इस महीने को कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद मैं चला आया उस दिन बाद ही चला आया। और आज मेरा पहला क्लास था। पहला क्लास में मेरा जो माइक्रोस्कोप कैसे बिठाते हैं, कैसे बैठना पड़ता है, और कैसे आई से कैसे चेक करते हैं, वो सब आज फर्स्ट डे में सीख लिया। उसके बाद हमारा ईएमसी का जो रिवॉल्विंग था वो कैसे कैसे किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट टाइम में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन 2-3 बार में वो पूरा सीख लिया था। उसके बाद मैं थ्योरी का क्लास था कंपोनेंट का, देव सर का वो क्लास मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कंपोनेंट का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, वो आज रजिस्टर और कैपेसिटर का नॉलेज दिया था, वो किस तरीके से कौन सा तरीके से पहचानना पड़ता है वो सब अच्छे तरीके से मुझे बताया गया था। और उसके बाद प्रैक्टिकल में मुझे खुद से प्रैक्टिस किया है, कौन सा पैरेलल में कैसे बीट कैसे। अच्छा, नोट्स भी बनाया तुमने? हाँ, नोट्स भी बनाया। नोट्स खुद से बनाया? हाँ, खुद से नोट बनाया था, पैरेलल में कौन कैसे बैठता है और सीरीज में कैसे कंपोनेंट को पहचाना जाता है वो सब। खाना होगा ऊपर, खाते जाइए। हेलो, सर मेरा नाम जितेश चौरसिया है, मैं मुंबई से हूँ। आज हमारी क्लास सुबह 8 बजे से थी। आज हमने सीखा माइक्रोस्कोप कैसे सेट करते हैं, किस तरह से बैठा जाता है, टूल्स कैसे पकड़ते हैं। आज मैंने फर्स्ट टाइम एमसी को रिवॉल्व किया और इतने आसान ट्रिक से किया कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ कुछ भी हाइट नहीं रखते, और आज हमारी क्लास थी देव सर की कंपोनेंट की, जिस एनर्जी के साथ सर ने कंपोनेंट का ट्रेनिंग दिया, माइंड ब्लोइंग था सर। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ट्रेनिंग मिलेगा। और जो हमने कंपोनेंट के बारे में सीखा, फिर हमने उसे ट्रेसिंग किया, और हमारे एमडी सर ने हमको सिखाया कंपोनेंट कैसे टेस्ट करते हैं, थर्मिस्टर कैसे चेक करते हैं विदाउट सिग्मेटिक, उसे मीटर द्वारा कैसे देखते हैं, इन केस की अगर हमारे पास मीटर भी ना हो तो कंपोनेंट को हमें कैसे पहचानना है, ये हमने एमडी सर से सीखा है। मैं एमडी सर को थैंक यू बोलूंगा, देव सर को थैंक यू बोलूंगा, और एशिया टेलीकॉम को थैंक यू बोलूंगा जो हमें ट्रेनिंग देते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू। सर मेरा नाम रितेश कुमार है। हाँ जी, मैं भिलाई से आया हूँ सर। हाँ जी सर, आज हमने की एशिया टेलीकॉम में फर्स्ट क्लास थी जी। सर आज 8 बजे से क्लास चल रही थी सर, 12 घंटे की क्लास थी सर। और उसमें 6 घंटा थ्योरी चला सर, उसमें और उसके बाद 6 घंटा प्रैक्टिकल भी चला था हम लोग सर। उसमें हम लोग को आज फर्स्ट डे में ईएमसी रिवॉल्विंग की क्लास करवाई थी, तो 5 बार हम लोग रिवॉल्व किए हैं जी। उनका ठीक रिवॉल्व हुआ सर, जो बॉल्स रहती हैं ईएमसी वो सर छोटी बड़ी कुछ नहीं हुई,
एक प्रॉपर तरीका, एक सही तरीका आया है जी सर। रिवॉल्विंग भी अच्छी टेक्निक बताई गई यहाँ पर जी सर। और जो थ्योरी की क्लास थी उसमें सर कंपोनेंट टेस्टिंग जैसे देव सर की बात करूँ तो जिनका वीडियो देख के आए थे उनके साथ आज फेस टू फेस हुए आप, तो कैसा लगा? जी सर आज उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। उन्होंने कंपोनेंट की टेस्टिंग बताई आज पर देखा तो कैपेसिटर और जो रजिस्टर रहता है अपना शंट रजिस्टर ये सब की चेकिंग बताई गई। तो आपने प्रैक्टिकली रूप से पूरा डन किया आपने? सर उसको प्रैक्टिकली डन किया, समझ पे आया, टेस्ट भी किया हमने मदरबोर्ड में जी सर। समझ में थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह, मैं रामपुर यूपी वाइस जी। जी सर मैं देव सर के पेशेवर सब्सक्राइबर हूँ, 8 महीने से जुड़ा हुआ था सर, कंटिन्यू उनकी वीडियो देखता था और ये सोचता था कि कब जाके कैसे कैसे की हो पाए। फिलहाल मेरी जो एडमिशन और जो भी सर सीट वगैरह मिली आज मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में सर पहली बार मैंने आज माइक्रोस्कोप सेट किया, जैसे कि मेरे एमडी सर ने हमें बताया कि ऐसे नहीं ऐसे इस तरीके से सेट करते हैं। सेट करने के बाद कि आईसी को रिवॉल्विंग स्टेंसिल रखने का तरीका, ट्यूजर पकड़ने का तरीका, असेंबली पकड़ने का तरीका, सारे स्टेप बाय स्टेप एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। बताने बाद फर्स्ट टाइम थोड़ी सी दिक्कत आई लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिवॉल्विंग किया। फिर रिवॉल्विंग करने के बाद फिर कुछ समय बाद हमारे देव सर की क्लास थी। देव सर की क्लास में जैसे कि हमें रजिस्टर कैपेसिटर ठीक है और इसके बारे में बताया गया कि इन्हें कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कि सारा कुछ अच्छी तरीके से उन्होंने बताया हमें। बताने के बाद सर जैसे कि फिर जस्ट उसके बाद हमारी कैपेसिटर की और ये रजिस्टर की चेकिंग टेस्टिंग वगैरह प्रैक्टिकल हुआ। सर ने थोड़ी में बताया था और एमडी सर ने उसका प्रैक्टिकल कर दिखाया और मैं एसीडब्ल्यू का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर मेरा नाम कमलेश गोड़ है, मैं कृष्णनगर जिले से आया हूँ। मैं सुबह 8 बजे क्लास थी तो क्लास किया तो आज सबसे पहले हमने इतनी सेट करना सीखा। उसके बाद से तो EMC मोनी करना सीखा, कैसे मोनी किया था। उसके बाद से हमने क्लास चला, उसके बाद से हमने कंप्लेंट के बारे में पढ़ाया गया कि कैसे इतनी कैपेसिटर चेक करते हैं, इतनी कैसे चेक करते हैं। उसके बाद से हमने आया कि कौन पैरेलल है कौन है सब चेक किया सर। चलिए तो कैसा लग रहा है आपको आज की जो क्लास थी पूरी डन हुई कि नहीं हुई आपसे? सर फ्री हो गई है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर आज हम लोग का पहला दिन था, आज 8 बजे से हम लोग की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग 8 बजे से आए थे तो हम लोग की 6 घंटे थ्योरी चली, 6 घंटा प्रैक्टिकल चला। तो थ्योरी में तो हम लोग को जो है कंपोनेंट के बारे में सारी चीज़ें समझाई गई कि ऐसे क्या है, तो उसको चेकिंग करने का तरीका जैसे कि देव सर ने बताया देव सर से मिलकर भी अच्छा लगा। पहली बार फर्स्ट टाइम वीडियो में देखा था, आज रियलिटी में भी देख लिया। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्या क्वालिटी लगी देव सर में आपको, क्या क्या क्वालिटी पसंद? सर उनके बताने का तरीका ही अलग है, एकदम अलग है जी सर। तो समझाते हैं तो डेप्थ में समझाते हैं आपको? सर एकदम डीपली समझाते हैं, एकदम डीपली। एक रजिस्टर से कैसे मोबाइल डेट हो जाता है ये भी पता चला? यस सर। बाकी एमडी सर ने भी हम लोग का बहुत साथ दिया। हम लोग को भी शुरू में हम लोग कभी माइक्रोस्कोप में बैठे नहीं थे, तो माइक्रोस्कोप में हम लोग को कैसे बैठना आएगा, ट्यूजर कैसे पकड़ना आएगा, हर चीज़ें के बारे में नॉलेज दी और बहुत अच्छा लगा एमडी सर से भी मिल के और उन्होंने भी मेरा साथ बहुत दिया। थैंक यू सर। जी हेलो सर, मेरा नाम गर्व है, मैं रांची झारखंड से हूँ जी। तो आज सुबह 8 बजे से हमारी क्लास हुई थी जी। हम लोग पहले IC रिवॉल्विंग का क्लास किए, उसके बाद हम लोग का देव सर के साथ क्लास था जी। और अभी तक का सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अभी तक कभी भी मोबाइल फील्ड में नहीं रहा हूँ, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं सीख रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि एशिया टेलीकॉम के साथ रहकर मैं सीख जाऊँ और मैं श्योर हूँ कि मैं सीख जाऊँ। थैंक यू सर। 110%। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम मिथिल विश्वकर्मा जी, मैं UP छाछठ से हूँ। और मैं अभी मुझे 2 दिन पहले मालूम चला कि मतलब एक भैया है वाराणसी में रहते हैं, UP में योगी है, और वो हमको बताया कि हाँ आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे अच्छे सिखाई जाती है, आपको अच्छी जानकारी नॉलेज दी जाएगी। तो
हमको दो दिन पहले पता चला, तो हम सर से बात किए, एमडी सर से, फिर ये हमको बोले कि आज जल्दी से जल्दी करके आ जाइए। हमको एमडी सर एक दिन बोले, उसके दूसरे दिन मैं टिकट कटाया और यहाँ पे चले आया, कैसे भी करते भागते भागते। सर से बोल रहा था थोड़ा दो पाँच दिन का टाइम दे दीजिए, बट नहीं दे पाया, बोल रहे थे लेट हो जाएगा ज्यादा। तो मैंने सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था? आज क्लास में आके मालूम पड़ा। हाँ सर, कितना इम्पोर्टेंट है एक दिन का। हाँ हाँ, वो तो है सर। और सर अच्छा, सुबह में मुझे मतलब कि मैं 7 बजे ट्रेन से उतरा, उसके बाद हॉस्टल में आए, फिर 8 बजे यहाँ पे आ गए इंस्टीट्यूट पे सर। उसके बाद सबसे पहले आने पर हमको माइक्रोस्कोप बताया गया, कैसे किस पर किस एंगल पे सेट करते हैं। उसके बाद चेयर पे बैठना सिखाया गया, और आईसी रिवॉल्विंग की काम सी ईमीएमसी की काम सिखाई गई, और अंदर देवसर पढ़ाए अच्छे से आईसी की, मतलब क्या कितना रीडिंग आना चाहिए, या क्या कैसे चेक करना चाहिए, कौन सी ऐसी सही है, कैसे चेक करें, शॉर्टिंग कैसे करना निकाली जाती है। फिर उसके बाद देव सर अंदर पढ़ाए, उसके बाद इंस्टीट्यूट में आके एमडी सर प्रैक्टिकल करें। धन्यवाद।